क्या होगी विलेय की, या विलेय की जगह आपको कोई पदार्थ दे कि कितने ग्राम
है का मीनिंग की बात कर रहा हूं। क्लियर? अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल। बीस ग्राम सीसीएम पूर्ण को 180 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है तो इस प्रकार प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को 180 ग्राम बेंजीन में घोला गया है तो इस प्रकार प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसलिए आपसे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, इसकी क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, इसकी क्या परसेंट होगी, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहां पर कहते हैं विलेय का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 20 ग्राम उसके बाद यहां पर दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान इज इक्वल टू 180 ग्राम, लेकिन हमें क्या है सूत्र जो होता है हमें क्या है विलयन का चाहिए, तो अभी मैंने पहले ही बताया था विलयन का क्या होता है, विलयन क्या है, विलयन का सूत्र है तो हम निकाल सकते हैं। अतः विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक 20 प्लस 180 इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास है, पहले हमने निकाला हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो सूत्र है हमारा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये सूत्र है। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं तो मैं याद रखता हूं, विलेय का द्रव्यमान है 20, विलयन हमारा हो गया 200 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा आपके पास 20/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 10%, क्या आ गया 10%, यही हमारा आंसर है। ये जो विलयन प्राप्त हुआ है 20 ग्राम सीसीएल को 180 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसका जो द्रव्यमान प्रतिशत
परसेंट होगा 10%। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं प्रतिशत, जो सांद्रता की इकाई है उसके ऊपर। तो ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, ठीक है, वही चीजें आपको बतानी है जो पूछ रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हुए प्रतिशत में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, और इसके बाद मैं आपको सांद्रता की ही दो इकाइयों के बारे में और बताता हूं, हालांकि वो कोर्स में नहीं है हमारे, लेकिन उनकी जानकारी होना भी जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम कहते हैं मूलकता।
बटे विनय का अनुभाग इनटू अब देखो वन अपॉन विनय का आया क्या है तो इसको अपॉन में कर देंगे वन अपॉन विनय का आयतन और ये किसमें होगा लीटर इसमें होगा लीटर में होगा ठीक है। अब देखो मोलर का आपको एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम लेते हैं। अब विलेय की ग्राम में मात्रा आप सूत्र में बदले तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा को हमने स्मॉल डब्ल्यू ले लिया विलेय का अनुभार स्मॉल एम इंटू वन अपॉन मिलियन का आयतन तो यहां पर मिलियन का आयतन हमने ले लिया बी और ये किसमें होगा लीटर इसमें होगा लीटर। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया मोलर का ज्ञात करने क्या ज्ञात करने का मोलर का ज्ञात करने का ठीक है। तो मोलर का क्या होती है एक लीटर मिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलर का कहलाती है क्या कहलाती है मोलर का कहलाती है। इसको आगे हम सूत्र निकाले तो इस तरह से मोलर का इक्वल टू मिले के मोल बटे मिलियन का आयतन लीटर में होगा और ये मोल क्या है मिले के मोल इज इक्वल टू मिले की ग्राम में मात्रा अपॉन मिलियन का अनुभाग सॉरी मिले का अनुभाग ठीक है। आगे चले तो इस वैल्यू को यहां पर करना है मिले के मोल की जगह मिले के मोल की ये वैल्यू है तो हमने लिखा मिले की ग्राम में मात्रा तो यहां पर हम कह सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमारा विलेय की ग्राम में मात्रा ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल एम विलेय का अनुभाग और बी क्या है विलयन का आयतन क्या है विलयन का आपको ज्ञात करना है
नियम नियम को आप सीख चुके हैं कि किसी भी पदार्थ के यौगिक का अनुभाग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो अपने पास मिले क्या है पदार्थ के दिए हुआ है पदार्थ NaOH। तो NaOH जो होता है वो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो NaOH में आपको क्या है अनुभाग ज्ञात करना है, तो एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। बताते सिखाया हुआ है सोडियम का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो टोटल कितना हो जाएगा कर दिया।